सोनकच्छ के जनजाति कार्य विभाग के छात्रावास में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि हम 2011-12 से कार्य कर रहे हैं और हमसे 12 घंटे कार्य लिया जाता है, सिर्फ हमें 5,000 का ही वेतन मान दिया जाता है। हमारी मांग है कि हमारा वेतन मान बढ़ाया जाए, कलेक्टोरेट से हमारा वेतन मान किया जाए। इसको लेकर पूर्व कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया था, लेकिन उस आदेश पर अभी तक गौर नहीं हुआ है और ना ही कोई सुनवाई हुई है। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि 5,000 में हमारा परिवार का पालन पोषण हम नहीं कर पाते हैं। हमारी मांग है कि हमें वेतनमान बढ़ा कर दिया जाए। सोनकच्छ क्षेत्र से आए थे, ये जनजाति कार्य विभाग सोनकच्छ देवास से। हमारी समस्या है कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और हमारा वेतन सिर्फ 5,000 ही दिया जाता है और हम पूर्ण डे काम लिया जाता है हम लोगों से 12 घंटे। हम यहाँ पे 40 लगभग 40 कर्मचारी मौजूद हैं। ये कम से कम 10-12 साल अच्छा 2008 के हमारा कम से कम दैनिक वेतन भोगी में किया जाए और कलेक्टर रेट किया जाए। हमारा 9,125 रुपये का है कलेक्टर रेट, वो दिया जाए हमको। हम सन 2011-12 से कार्यरत हैं, सुविधा हमको आदेश दिया जाए। ठीक है, और गर्मी में हमको 2 महीना बंद भी किया जाता है तो हमको चालू रखा जाए या फिर उसका वेतन दिया जाए। ठीक है, का राजकुमार परमार, वाटरमैन कम चौकीदार, देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।